गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको पढ़ने के लिए हमने उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पहला पार्ट है वो है ओवरीज, मतलब एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरीज होती है, मतलब दो ओवरीज होती हैं। ओवरीज का मेन क्या क्या है कि वो प्रोड्यूस करती है एग्स। एग्स को हम लोग ओवम भी कह देते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट के अंदर हमें आता था ओविडक्ट, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब बोलते आ रहे हैं। फेलोपियन ट्यूब, फिर आता है यूट्रस एंड देन वजाइना। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटा। एक्सटर्नल जेनिटा मतलब जो बाहर का आउटर पोर्शन होता है, मतलब जो हम देख पाते हैं आउटसाइड द बॉडी इट इज प्रेजेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। लोअर एब्डोमेन में मतलब पेल्विक रीजन मतलब हिप के पास, हिप रीजन। नाउ हमने बात की थी ओवरीज की, दिस इज द ओवरीज, दिस एंड दिस। ओवरीज जो है एक लूप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के साथ जॉइन है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं यूट्राइन ट्यूब, या फिर ओविडक्ट, या फिर फेलोपियन ट्यूब। अभी फेलोपियन ट्यूब जो है ये यहाँ पे आके रुकती है। तो ये जो इन्वर्टेड पेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड पेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम कह देते हैं यूट्रस। इसको हम वूम्ब भी कहते हैं। वूम्ब जो बेबी की पूरी डेवलपमेंट होती है 9 मंथ्स के अंदर, वो किस में होती है? वूम्ब में होती है, यूट्रस के अंदर होती है। अब यूट्रस जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे एक नोज की टिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स के बाद ये केनाल आती है, दिस इज अ केनाल। ये केनाल को हम लोग कहते हैं वजाइना। अब जो हमने ये वाले यहाँ तक जो हमने स्ट्रक्चर पढ़े हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे एक इंटीरियर इंटरनल ऑर्गन्स थे, मतलब ये हमें दिखते नहीं है पर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट। अब जो हम ये पढ़ेंगे ये तीन, ये एक्सटर्नल है, मतलब ये बाहर प्रेजेंट होते हैं, क्लिटोरिस, लेबियम माइनस एंड लेबियम मेजस। लेबियम माइनस को हम लोग लेबिया माइनोरा भी कह देते हैं, और लेबियम मेजस को हम लोग लेबिया मेजोरा बोल देते हैं। तो ये जो तीन है ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। आगे बढ़ते हैं, फुल फ्लेज डायग्राम विद लेबलिंग। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो ओवरी है, ओवरी प्रोड्यूस करती है एग्स, ये ओवरी जो है ये एक एपिथीलियम में कवर होती है। इसके ऊपर बाद जो ये शीट होती है ये बहुत पतली शीट के साथ कवर होती है, उस शीट को हम लोग कहते हैं ओवरियन स्ट्रोमा। अब ये जो ओवरी है यहाँ पे एक ही लिगामेंट टाइप कुछ प्रेजेंट है जो ओवरी और यूट्रस को साथ जोड़ता है। एक लिगामेंट टाइप ये वाला प्रेजेंट है जो ओवरी और यूट्रस को साथ जोड़ता है। इस लिगामेंट को हम लोग कहते हैं ओवरियन लिगामेंट। इस लिगामेंट को हम लोग कहते हैं ओवरियन लिगामेंट। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये ब्रॉड लिगामेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ब्रॉड लिगामेंट। ये ब्रॉड लिगामेंट के अंदर सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, कंटेन्स ब्लड वेसल्स। इसके अंदर सारी ब्लड वेसल्स होती है जो कि नरिशमेंट देती है हमारे यूट्रस को, एक ब्लड देती है,
ठीक है। इसके बाद ये भी जो हिस्सा है, ये जो ऊपर का ये वाला हिस्सा है जो ओविडक्ट और ओवरी के साथ है, ये भी एक लिगामेंट है जो कि इन सबको जोड़ता है एक साथ, एक कनेक्टेड कनेक्शन बना के रखता है। ये वाला इसको हम कहते हैं मिजोरियम, मिजोवेरियम, दिस इज मिजोवेरियम। तो ये सारे लिगामेंट्स थे जो यूट्रस के आसपास प्रेजेंट होते हैं ना। इसके बाद ओवरी के बाद ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हुए हैं इनको हम कह देते हैं फिम्ब्राए, फिम्ब्राए। ये जो फिम्ब्राए है इनका फंक्शन क्या होता है कि ये रिसीव करते हैं, रिसीव क्या करते हैं, एग्स रिसीव करते हैं या फिर ओवम रिलीज करते हैं। जो ये ओवरी रिलीज करता है, ओवरी हमने कहा था कि एग प्रोड्यूस करता है, तो जब ये ओवरी एग बाहर देता है तभी फिम्ब्राए जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये उसको रिसीव कर लेता है, जो कि यहाँ पे एक मेंशन भी है फिम्ब्राए ना। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये यू, अगर हम यहाँ पे आके देखें तो फिम्ब्राए के बाद एक यू टर्न से आता है ये वाला, इसको हम कहते हैं इनफेंडिबुलम, दिस इज नोन एज इनफेंडिबुलम। इनफेंडिबुलम ये यू टर्न आता है जो कि यहाँ पे मेंशन है। इनफेंडिबुलम का थोड़ी सी आगे जाओगे दिस रीजन, दिस इज नोन एज एम्प्यूला रीजन, एम्प्यूला रीजन। एम्प्यूला रीजन से थोड़ा आगे जाओगे दिस रीजन, दिस इज नोन एज इस्थमिक, इस्थमस रीजन, दिस इज नोन एज इस्थमस रीजन। एम्प्यूला रीजन थोड़ा सा आगे जाके देन इज इस्थमिक रीजन। यहाँ पे ओविडक जो है वो खत्म हो जाती है, मतलब यूट्राइन ट्यूब खत्म हो जाती है। वन मोर थिंग, कि जब फर्टिलाइजेशन होती है हमारे पास, जब एग और स्पर्म मीट करते हैं उसको कह देते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है वो इस जगह पे होती है, ये वाली फर्टिलाइजेशन हमेशा फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, किसके अंदर, एम्पुला और इस्थमिक रीजन के बीच बीच में होती है। तो इस रीजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन साइट भी बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन साइट। और इसका नाम हम दे देते हैं उसको एम्पुलरी इस्थमिक रीजन। इसके बाद अगर हम थोड़ा इसके आगे आते हैं तो हमें ये बल्जी सब्सटेंस दिखता है। बल्जी मतलब जो बाहर को आया हुआ है, इसको हम कह देते हैं फंडस, फंडस ऑफ यूट्रस, मतलब जो बाहर को आया होता है। एंड दिस होल जो इंटीरियर पोर्शन होता है जो हमें मतलब एक ट्रायंगल की तरह भी दिखता है, एक ट्रायंगल की तरह, इसको हम कह देते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस, दिस इज अ बॉडी ऑफ यूट्रस। अब जो यूट्रस की बॉडी है उसके अंदर तीन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, यूट्रस बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमेट्रियम। ये तीन लेयर से हमारा यूट्रस बना है। जो पेरीमीट्रियम लेयर है वो सबसे बाहर वाली साइड होती है, जो बिल्कुल बाहर वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं पेरीमीट्रियम। उसके बाद थोड़ा अंदर वाली साइड, जो ये पिंक साइड में दिख रही है यहाँ पे, ये पिंक वाली, इसको हम कहते हैं मायोमीट्रियम। मायोमीट्रियम जो है वो स्मूथ सेल्स की बनी होती है, स्मूथ सेल्स। और सबसे इनर, जो सबसे इनर वाला लेयर होती है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है
तब, हाँ, तो जब फर्टिलाइजेशन होती है और जायगॉट नीचे आता है तब ये वाली लेयर ही थिक हुई होती है टू एम्बेड इट, ताकि जो जायगॉट नीचे आया है वो उसके अंदर एम्बेड हो जाए और गड़ के गड़ एंडोमीट्रियम। अब यहाँ पे आके जो ये है हमारे पास, ये अब उल्टा बल्जी सब्सटेंस है, मतलब नीचे को बल्ज हुआ हुआ है, तो इस जगह को हम लोग कहते हैं सर्विक्स। अगर इसको हम फील करें तो इट्स जस्ट अबाउट द टिप ऑफ योर नोज, जैसे हमारी नोज की टिप है वैसे ही ये होती है, एक ये बल्जी सब्सटेंस है, ठीक है। अब जहाँ पे ये सर्विक्स ख़त्म होता है वहाँ से हमारे पास शुरू हो जाती है वजाइना। अब वजाइना और सर्विक्स इकट्ठे मिलके क्या बना देते हैं? बर्थ कैनाल। मतलब जब एक बेबी फुली डेवलप हो जाता है, जब उसकी पेक्चुरेशन होने वाली होती है, डिलीवरी होने वाली होती है, तब यहाँ से ही बाहर आके तब वो यहीं से अपनी पेक्चुरेशन करता है, डायलेशन हो जाती है वजाइना की, और यहाँ से पेक्चुरेशन होके वजाइनल कैनाल से वो बाहर आ जाता है। अब इन सब के अंदर एक बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता है ब्लड का, तो यहाँ से वेन्स और आर्टरीज आती रहती हैं जो ब्लड सप्लाई देती रहती हैं इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटा के बारे में। एक्सटर्नल जेनिटा क्या होता है? ये वो पार्ट है जो हमें बाहर नज़र आता है, मतलब विजिबल पोर्शन है ये, विजिबल पोर्शन। ये एक्सटर्नल होता है इफ प्यूबिक हेयर्स, इधर प्यूबिक हेयर आ जाते हैं, और ये जो बल्जी सब्सटेंस यहाँ पे भी तुम्हें दिख रहा है, मतलब ये जो ऐसा वाला तुम्हें एक पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, उसको हम कह देते हैं मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस एंड हेयर इज एनस बट होल। अब यहाँ पे देर आर लिप्स लाइक स्ट्रक्चर, दिस लिप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा। इट्स अ फ्लैशी सब्सटेंस, फ्लैशी मतलब फ्लैशी रोल्स होते हैं, ये फैटी टिश्यूज होते हैं इसके अंदर। ये मोन्स प्यूबिस के अंदर भी ये जो चीज़ें हैं बाहर की, जो आउटर सब्सटेंस है, वो होती है फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स। अभी जो बड़े वाला है उसको हम कह देते हैं लेबिया मेजोरा, एंड दिस स्मॉल लिप लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन इज कॉल्ड लेबिया माइनोरा। नाउ देन हेयर इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम कह देते हैं क्लिटोरिस। क्लिटोरिस जो है इज गिविंग अ सेक्शुअल प्लेजर। है उसके यहाँ पे दोनों एंड्स पे यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। बार्थोलिन ग्लैंड का मेन फंक्शन है ल्यूब्रिकेशन में, ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प करता है, और कुछ नहीं। यहाँ पे हमारे पास यूरेथ्रा प्रेजेंट है, और ये जो ओपनिंग है स्मॉल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग जिसको हम कहते हैं वजाइनल ऑरिफिस। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि इसके बाहर हमारे पास एक कवरिंग होती है, वजाइनल ऑरिफिस के बाद हमारे पास एक कवरिंग होती है, एक बहुत थिन कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं हाइमन। हाइमन जो है इट इज ऑफिशियली टोन्ड आफ्टर फर्स्ट इंटरकोर्स, ये इज टोन आफ्टर फर्स्ट इंटरकोर्स। और जरूरी नहीं है कि फर्स्ट इंटरकोर्स, क्योंकि कई बारी जब फीमेल्स डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज और लाइक साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग और इन और यूज टैम्पोन्स, तब भी ये टोन हो जाता है हाइमन। देन कम्स साइड व्यू। साइड व्यू में क्या होता है कि हमारे पास दिस इज अ बट,
हिपेरिया, दिस इज एनस, हियर इज वर्टिब्रल कॉलम मतलब स्पाइनल कॉर्ड वाली साइड है. देन स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर इट्स मेजोरा सबसे बड़ा लेयर जो होती है. देन इज मैनोरा उसके अंदर वाली लेयर. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड क्लॉटिस. यूरेथ्रा यहाँ पे होता है. प्यूबिक बोन इट इज जॉइंट एंड देन इज यूरिनरी ब्लैडर इज कनेक्टेड ऑल्सो हेयर. यूट्रस इज अपराइट हेयर. दिस इज अ वजाइनल ऑरिफिस यहाँ पे वजाइनल ऑरिफिस और ये होता है यूट्रस. देन फिम्ब्राए एंड दिस इज द ओवरी. फिम्ब्राए ओविडक्ट दिस इज द फेलोपियन ट्यूब. सर्विक्स एंड दिस इज रेक्टम एंड दिस इज कॉल्ड वजाइना. तो ये हमारे पास था साइड व्यू. हमें यहाँ से पोजिशनिंग पता चलती है कि यूट्रस की हमारे पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव की पोजिशनिंग कहाँ हुई है. सो ये था आपकी इंट्रोडक्शन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप 9023241112 पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को.